अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको, पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। एक ओर जहां अपनी जान पर खेलकर सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर से दहशत गर्दों को जहन्नुम भेजने में जुटे हैं, जगह जगह से आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। आज ही अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकियों के सफाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। 10 साल बाद सूबे में बनी नई सरकार के सियासतदान आतंकियों के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने तो इसे आतंकियों की घटना नहीं किसी की सियासी साजिश बता दिया। साथ ही इन दहशतगर्दों को जो किसी को मार देते हैं उन्हें मारने की बजाय सिर्फ पकड़ने की सलाह तक दे दी। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको, उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। सुना आपने आतंकियों के लिए फारूक अब्दुल्ला की यह हमदर्दी। बता दें कि फारूक के इस अजीबोगरीब बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला को मोदी सरकार के साथ मिलकर आतंकियों के खात्मे में साथ देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो, तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। बता दें कि नई सरकार के बनने के बाद से घाटी में आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ी है। बीते दो हफ्तों में ही 6 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। 1 नवंबर को बड़गाम में 2 गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई। 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर हमला हुआ। 25 अक्टूबर को सेना के काफिले पर अटैक। 24 अक्टूबर को बारामुल्ला सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। 20 अक्टूबर को गांदरबल टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर हमला हुआ, जहां 7 लोगों की मौत हुई। 16 अक्टूबर को शोपिया में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इसे लेकर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, हमारे जवान करारा जवाब दे रहे हैं। नहीं देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1-2-3-4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, बहुत बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। बहरहाल जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर को लेकर फारूक अब्दुल्ला के उठाए सवाल से सियासत गर्मा गई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।